श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल हसनपुर और नेहरू स्मारक कृषक इंटर कॉलेज चांदपुरा कला के विद्यालय में प्रत्येक वर्ष की तरह 15 अगस्त मनाया गया। भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के लोगों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्षों की गुलामी के बाद ब्रिटिश शासन से इसी दिन भारत को आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से देश की स्वतंत्रता को सम्मान देने के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय और राजपत्रित अवकाश के रूप में इस दिन को घोषित किया गया है। हालांकि अंग्रेजों से आजादी पाना भारत के लिए आसान नहीं था, लेकिन कई महान लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे सच कर दिखाया। अपने सुख, आराम और आजादी की चिंता किए बगैर उन्होंने अपनी भावी पीढ़ी की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक और अहिंसात्मक सहित इन्होंने कई सारे स्वतंत्रता आंदोलन आयोजित किए और उस पर कार्य किया। आजादी के बाद भारत से पाकिस्तान अलग बढ़ गया, जो कि हिंसात्मक दंगों को भी अपने साथ लाया। अपने घरों से लोगों का विस्थापन यानी और बड़ी संख्या में जनहानि का कारण ये डरावना दंगा था, मगर अपने देश को आजाद करने के लिए हमारे वीरों ने अपनी जान देकर भी हमें आजाद किया था। 15 अगस्त को हम एक त्योहार की तरह भी मनाते हैं। इस तरह हम अपने घरों, विद्यालयों को सजाते हैं और इस दिन विद्यालयों के बच्चे अपने स्कूल प्रांगण को रंगोली आदि से बहुत ही अच्छा सजाते हैं। इसके साथ ही भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे ढंग से रंगारंग कार्यक्रम और नाटक भी प्रस्तुत किए जाते हैं। नौजील से मंच न्यूज के लिए पवन चौधरी की रिपोर्ट। के बच्चे थे जो अभी ये पीटी प्रदर्शन कर रहे थे जी, हमारे विद्यालय श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, जिन्होंने आपके सामने अभी पीटी का प्रदर्शन किया। ये आप किस तरह की तालीम देते हैं, क्या इनके लिए कोई अलग से शिक्षक रख रखा आपने? ये क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी खेल कूद और ज्ञान का विषय जोड़ दे रहे हैं, इसलिए हमने अपने विद्यालय में इनके लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन इनको खास तालीम नहीं दे पाए हम लोग, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। फिर भी हर साल हम बच्चों का प्रदर्शन 26 दिसंबर को 15 अगस्त पर कराने के लिए तैयारियां कराते रहे हैं। जैसे पढ़ाई के साथ साथ आप किस किस तरह की अलग से विशेष इनके लिए व्यवस्था रख सकते हैं? पढ़ाई के साथ साथ हम इनको योगा, व्यायाम और पीटी प्रदर्शन की भी व्यवस्था हमने विद्यालय में करा रखी है। और इससे अच्छा के जो विभिन्न विद्यालय जैसे नवोदय है और विद्यावासी है, उसके लिए भी छात्राओं की हम तैयारी कराते रहे हैं। और हमारे यहाँ से हर वर्ष लगभग 2-4 बच्चे उसमें चयनित होते रहे हैं। अब तक कितने विद्यालय, कितने बच्चे आपके चयनित हो चुके हैं? अब तक लगभग 32 के आसपास बच्चे हमारे यहाँ से जा चुके हैं विद्यालयों में, और उन प्रतियोगिताओं में और भी जो भी सामान्य की प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भाग लेते रहे हैं। NPRC सुरीर, तेजवीर सिंह राघव और उनकी धर्मपत्नी
शिक्षिका संगीता राघव की ओर से समस्त देशवासियों और जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।